सासाराम के करगर थाना क्षेत्र के कन्याबद्ध विद्यालय की आठवीं कक्षा की एक छात्रा ने विद्यालय के शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका स्कूल ड्रेस छोटा और पुराना होने के कारण उसे मारपीट कर स्कूल से निकाल दिया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, उसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। विद्यालय को तो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, शिक्षकों को भगवान कहा जाता है। सामाजिक स्तर पर समानता का अधिकार हमें यही सिखाया जाता है। शिक्षक भी सभी छात्रों को बराबर ही समझते हैं, लेकिन ये सारी बातें बस किताबी और झूठे जान पड़ती है करगहर थाना क्षेत्र के कन्या मध्य विद्यालय में आकर। तो आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, आइए पूरे घटना को जानते हैं। मामला कुछ ऐसा है कि कन्या मध्य विद्यालय की आठवीं कक्षा की छात्रा को इसलिए मारपीट कर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसका स्कूल ड्रेस छोटा था, पुराना था। छात्रा की चोट इतनी गंभीर थी कि उसको करगहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस पूरे घटना के बारे में छात्रा ने खुद बताया है। चोट लगा है, हमको सर ने मार दिया है। कौन कहे लिए मार दिया है? हाँ, वहाँ पे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं कन्या मध्य विद्यालय में, वहाँ गए तो हमको सर लोग सारा बच्चा और बच्चियों के सामने बुला कर कहा तुम अपना ड्रेस चेंज करके आओ, तो दूसरा ड्रेस पहन कर आओ। तो हम बोले हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है। तो हम उन्होंने हमको उल्टा सीधा बोलने लगा, बोले कि जाओ यहाँ से, नहीं पढ़ना है तुमको। हमको भगाने लगा तो हम बोले हम नहीं जाएंगे, हमको उल्टा मारने लगा। कौन मारपीट किया? संजय बैठा, संजय तिवारी, मौनी कुमारी। इस संबंध में दलित छात्रा के परिजनों ने करगहर थाना को लिखित आवेदन दिया है। उसकी नानी ने आरोप लगाया कि उसे मारा पीटा गया, उसके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल तक किया गया। उसकी नानी ने कहा कि वो गरीब है, उसके पास बस एक ही स्कूल ड्रेस है, स्कूल वाले ड्रेस भी नहीं दे रहे हैं। छोटा है, हाँ। महिला है, आप बताएं कि कोई है ही नहीं कि तू ड्रेस दे, वो है ही नहीं तो का है, हाँ। चमारती और कहते ना बढ़ जाए। अच्छा, हम कहले हैं, हाँ। कि ठीक बा चमारती और तो हमने के बढ़ ले भैया, हाँ। तो कहने ना बाभन हो जाता, बाभन के विदे अपन लगाओ तब जाए, तो हमहूँ जाते विदे लगाए। तो थाना में आप लोग आवेदन भी दिए क्या? हाँ। इस पूरे मामले पर विद्यालय के प्रधान शिक्षक का कहना है कि बच्ची को साफ सफाई के संबंध में बोला गया था, लेकिन उसके साथ मारपीट नहीं की गई है। यहाँ ऐसा कुछ बात नहीं, हम लोगों का तो रोज काम ही है कि सुबह में प्रार्थना के टाइम बच्चे को देखना, उसका नाखून बड़ा है कि नहीं बड़ा है, जूता मोजा या ड्रेस उसका सही है, साफ सुथरा है नहीं है, कैसे पहन कर आई है, बाल उल झाड़ कर आए हैं, नहा कर आए हैं कि नहीं आए हैं, कि हम लोग रोज के दैनिक उपस्थित है। तो हम लोग ही देखने में क्रम में हमारी मैडम है, वो अपना बोली कि बच्ची तुम्हारा ड्रेस थोड़ा सा चेंज करके आओ, और कोई बात नहीं, कोई मारपीट नहीं हुआ है, ना कोई किसी प्रकार का भेदभाव का यहाँ कार्यक्रम। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अगर छात्रा के आरोप सही है तो सवाल उन शिक्षकों पर भी उठेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल व्यवस्था, सरकार और समाज तीनों पर उठेंगे, और उस दावे पर भी सवाल उठेंगे जिसमें सभी कहते हैं कि अब समाज में भेदभाव नहीं होता है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, जिस तरीके से भेदभाव और यहाँ पर ड्रेस को लेकर के एक छात्रा को पहले निकाला गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिस तरीके से छात्रा का कहना है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षकों का कहना है कि उनके तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया गया, कोई जाति सूचक गालियां नहीं दी गई, बस ड्रेस गंदा रहने के कारण उसे घर भेजा गया, आखिर पूरा मामला क्या है? जी देखिए, करगहर थाना क्षेत्र से कन्या मध्य विद्यालय की आठवीं कक्षा की छात्रा है, शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाई है कि उसका स्कूल ड्रेस छोटा था और पुराना था, उन्हें इस कारण मारपीट किया गया, उसके शिक्षक स्कूल से भगा दिया गया। इस मामले में लड़की के परिजन के द्वारा थाने की शिकायत लिखित आवेदन दी गई है। इस मामले में करगहर थाना के पुलिस के द्वारा जमा हो जांच की जा रही है। इस पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का कुछ बयान सामने का कि मामला बढ़ता ही जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारी से बात करने पर उस मामले में बता रहे हैं कि उनसे छानबीन की जाएगी, उसके बाद जो भी होगा उन पर आज भी छानबीन कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन मामला कहीं ना कहीं गंभीर है। जिस तरीके से छात्रा जिस तरीके से आरोप लगा रही है, उसकी नानी का कहना है कि यहाँ पर जाति सूचक गालियां भी दी गई है और स्कूल से मारकर बाहर निकाला गया है, बस इसलिए क्योंकि उसने स्कर्ट छोटी पहनी हुई थी और स्कर्ट जो है वो गंदा था, क्योंकि स्कर्ट जिस तरीके से कहना है कि उसके पास बस एक ही स्कूल ड्रेस है जिस कारण वो मैला हो गया था, जिस कारण से वो उसे पहनकर स्कूल गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर ये पूरा मामला अगर सच है कि अगर शिक्षक के तरफ से यहाँ पर डांट फटकार लगा करके उसे भर्ती कराया थी, स्कूल से बाहर निकाला गया, इसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, कहीं ना कहीं मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये मामला तो काफी संघर्षित दिखने में नजर आ रहा है, मगर छात्रा के द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है कि इस मामले में पुलिस के द्वारा बताया गया कि छानबीन की जाएगी और इसमें जल्द से जल्द जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी रंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।